नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों के सितारे में चर्चा करेंगे यहां पर हम आज के राशिफल की, शेयर बाजार की और कम्युनिटी बाजार की। एक एक करके तीनों की चर्चा करेंगे और सबसे पहले चर्चा होगी यहां पर आज के राशिफल की। और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। शुभ अखिलेश आठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय जी एस्ट्रो मनी गुरु से आपसे मुखातिब होता हूँ आज 11 मई 2022 बुधवार। दोस्तों, आज के एपिसोड में हर रोज की तरह राशि पर, कृषि उपज पर, हलचल शेयर बाजार और नॉन एग्रो कमोडिटीज पर बातचीत होगी। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्व यानी 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह, धनु राशि निश्चित रूप की तरफ इशारा कर रही है। 1 से 2 बजे के बीच में रखी अतिरिक्त सावधानी, यह है खतरे के घंटे। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, यह है पृथ्वी तत्व की राशियां, आज आपके दिन संभवतः मुफीद ना रहे, लाभकारी ना रहे। 2 से 3 बजे खतरा अधिक हो सकता है, सावधान रहें। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, है वायु तत्व की राशियां निश्चित रूप की तरह इशारा। 3 से 4 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 4, 8, 12 यहाँ कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, जल तत्व की राशियां हैं, आज आपके दिन संभवतः शुभ और मंगलकारी हो सकता है। 12 से 1 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। जी कर्नल अजय जी, यहीं से कर्नल अजय जी अगर रुख करें कम्युनिटी बाजार की ओर, तो कृषि फसलों में आज स्पेशली मसालों में क्या लग रहा है? देख रहे हैं कि मसालों में यहाँ पर चाहे धनिया हो, जीरा हो, हल्दी हो, नरमी देखने को मिली है, तो आज मसालों में कैसी संभावना बन सकती है और किस मसाले में आज क्या मंदी तेजी की संभावना है? देखिए, जहां तक मसाला पैक का सवाल है, तो हम तो पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने में सबसे ज्यादा जो ज्यादा ट्रेड हो रहा है वो जीरा और धनिया में हो रहा है। तो धनिया के अंदर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और जीरे धनिया के अंदर इसमें तेजी की संभावना रह सकती है। तो जो भी निवेशक है तो उसको इक्वायरी करने से उनको बचना चाहिए। जी कर्नल जी, यहीं से कर्नल जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में हमने यहाँ पे ऊपरी स्तर से एक मुनाफा वसूली बनते हुए देखी है। जो ग्वार सीड 6400 तक ट्रेड कर रहा था, अब वो 6000 के नीचे आ चुका है, 5900 तक। और ग्वार सीड 12-12.5 हज़ार के ऊपर था, अब 11500 से भी नीचे लुढ़क चुका है। तो ऐसे में अब ग्वार कॉम्प्लेक्स में क्या तेजी मंदी की संभावना है और क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से तेजी मंदी बनेगी? देखिए, ग्वार कॉम्प्लेक्स में जो मेरा अनुभव ये कहता है, पिछले 15-18 साल में मैं ग्वार को बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूँ, और ग्वार सीड ने हमेशा लोगों को मालामाल भी किया है और इसको थकाया भी है। यदि आप देखें कि ग्वार सीड के अंदर जबरदस्त कमी के बावजूद, क्योंकि ग्वार सीड का जो उत्पादन है वो बहुत कम है, इसका एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी होने के बावजूद, और सरकार ने जो कल एक नोटिफिकेशन भी निकाली है कि इसको इसके ऊपर ड्यूटी हटाई है निर्यात के ऊपर, तो मुझे लगता है कि जो निवेशक हैं उनको हैरान और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें यदि 57-58 सौ के आसपास की ये जो मूवमेंट होती है, और उसके बाद वो 64-65 सौ के आसपास पहुंचती है, उसके बाद में ये मुनाफा वसूली होती है, ये इस तरह से ये एक रैली है, ये चलती आ रही है। तो हमेशा जो 57-58 सौ के आसपास 1600 प्लस माइनस की जो है उस पर यदि कोई खरीदारी करता है, उसके बाद 63-64 सौ के आते आते उसको अपना माल हल्का करता है, तो ऐसी प्रैक्टिस चल सकती है। लेकिन गवाह सीट के अंदर वो निवेशक या ट्रेडर्स या डे जॉबर्स जो कम पैसा लगा के लंबे लंबे लॉट संख्या पे यदि वो रखते हैं, उनके लिए ये परेशानी का सबब बन जाता है। लेकिन कुल मिला के ग्वार की जो सूझबूझ है, ग्वार की इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण बात कि ग्वार में बहुत बड़ी तेजी से पहले एक बहुत बड़ी मंदी भी आती है।
और मंडी वो कब आएगी उसके ऊपर भी एक विशेष शोध हम रखेंगे और उसके ऊपर सिर्फ गवार पे ही चर्चा करेंगे कि स्पॉट के अंदर क्या चल रहा है, कितनी आवक है, कितनी इसकी डिटेलिंग है और सरकार इसके अंदर क्या फायदा किसानों को और व्यापारियों को दे सकती है, इसके ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन कुल मिला के गवार के अंदर अभी वॉलिडिटी जारी रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। ये क्लियर जी। जी कर्नल ये से कर्नल जी बात करें अगर दालों की पल्सेस की, तो दालों का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्या समाचार है और आगे कैसा बाजार रहेगा? देखिए दालों में मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा रवि की सबसे बड़ी फसल दाल दलहन में, वो है चना। चना का जो प्रोडक्शन है उसकी कमजोरी की बात हो रही है, साथ साथ यदि हम किसी समय यदि पिछले साल को देखें उसके मुकाबले करीबन 32% अराइवल कम की सूचना मिल रही है। लेकिन दाल मिलों की जो डिमांड है वो थोड़ी सी कमजोर आ रही है और थोड़ा सा फाइनेंस की कमजोरी या टाइटनेस की वजह से भी स्टॉक इस मैदान में आ नहीं रहे हैं और बीते दिनों की जो स्टॉक किया हुआ है उसी को काटने में लगे हुए हैं, जिससे बाजार करीबन 4,900 रुपए प्रति क्विंटल के आपके आसपास लॉरेंस रोड पे बताया जा रहा है दिल्ली में। लेकिन मिलों की मांग सुधरने से भी कह लीजिए कुछ जो राजस्थानी चना जो है उसकी कीमत के अंदर लगभग 75 रुपए की तेजी है और ये 4,950 से 4,975 रुपए प्रति क्विंटल पर बताया जा रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है तुअर, क्योंकि तुअर की ये भी खासियत है कि अभी आने वाले समय में कोई फसल है नहीं इसकी और यदि महाराष्ट्र के माल सस्ते जो माल था वो लगभग बिकवाली हो रही है, हो चुकी है तकरीबन, और लेमन तुअर की कीमत 75 रुपए घटकर 6,200 रुपए प्रति क्विंटल रह गई है अभी। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, इसको सोचने वाली विचारने की बात है, यदि वर्मा यानी रघुन से कोई भी इम्पोर्ट करता है तुअर का तो आयात करने पर महाराष्ट्र तुअर पहुंचने पर करीबन 6,425 से 6,450 रुपए के आसपास इसका पड़ता लग रहा है, जबकि हाजिर के अंदर इसके दाम कम है। तो कुल मिला के इन सबको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि तुअर के अंदर कोई घबराने की कोई विशेष बात है। अब हम चर्चा करेंगे उड़द। उड़द का स्टॉक जो बंदरगाहों पर है, यदि चेन्नई देखें, मुंबई देखें, वहां पर कोई बहुत ज्यादा माल की रिपोर्ट नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई स्टॉक रखा हुआ है राशन आप, लेकिन और लेकिन मिलों की ग्राहकी के रकम जो होने से एक थोड़ी सी ये वोलेटिलिटी दिखाई दे रही है। पर आज की तारीख में यदि चेन्नई से अभी माल कोई दिल्ली मंगाता है तो लगभग उसमें से 250 रुपए के आसपास का खर्चा भी पड़ता है और मोटा माल 7,725 व छोटा माल 7,050 रुपए के आसपास अभी बिक रहा है। लेकिन कोई घरेलू फसल नजदीक नहीं आने वाली है जिससे उड़द के व्यापार के अंदर भी मुझे नहीं लगता है कि कोई धरने की बात है और इसके अंदर अच्छा मूवमेंट की संभावना बन सकती है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे मसूर के ऊपर। मसूर के अंदर देखिए फसल आके तकरीबन बिक चुकी है और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी जो मसूर के भाव हैं वो मुझे नहीं लगता कि बहुत सस्ते हैं और साथ साथ यदि मुंदड़ा और बंदरगाह पर भी देखें जो इंपोर्टेड देसी मसूर के जो भाव है उसके भाव ऊंचे हैं और दिल्ली दाल दलहन बाजार का भी चित्र देखें तो देसी मसूर बीटी के जो 6,950 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है लेकिन माल बहुत अधिक नहीं है और कनाडा मसूर जो 6,975 से 7,000 रुपए की बोलिया लग की बात हो रही है और आयात और उत्पादन को देखते हुए मसूर के अंदर मुझे कोई बहुत बड़ा निचला स्तर देखने को शायद ना मिले। तो दोस्तों यही मुझे लगता है कि मसूर उड़द तुअर इसके ऊपर हमारी ये चर्चा है, उम्मीद है कि किसानों को और व्यापारियों को इससे लाभ होगा चने पर भी। जी जी ये सब कर्नल जी बात करें अगर हम नॉन एग्री कम्युनिटीज की, तो नॉन एग्री कम्युनिटीज में देख रहे हैं कि सोने चांदी में काफी ज्यादा उठापटक का माहौल है, डॉलर देख रहे हैं लगातार तेजी की ओर है, भारतीय रुपया लगातार गिरावट की ओर है, सोने चांदी में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, उधर यूएस फेड और आरबीआई ने भी दरें बढ़ा दी हैं, तो अब सोने चांदी का बाजार कैसा रह सकता है आने वाले कुछ दिनों की बात की जाए तो? देखिए सोना चांदी अपनी ऊपरी स्तर से काफी फिसल चुके हैं और ये पहली बार हुआ है कि काफी सालों बाद कि भारतीय रुपया कमजोरी के बावजूद बुलियन नीचे गिरी है। इसका प्रमुख प्रभाव यही है कि लोग सुरक्षित निवेश की तरफ काफी जा रहे हैं और पैसा बाजार में कम हो रहा है।
इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो उससे मार्केट में जो लिक्विडिटी है, तरलता है, उसकी कमी होती है और महंगाई के ऊपर इसका माना जाता है कि इससे महंगाई पर असर पड़ेगा। लेकिन कुछ विशेष नजर आ नहीं रहा है और भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। ये भी एक विचारणीय बात है क्योंकि भारतीय रुपया कमजोरी की तरफ अग्रसर है अमेरिकी डॉलर के खिलाफ। जबकि होता यह है कि जब भारतीय रुपया कमजोरी दिखाता है अमेरिकी डॉलर के खिलाफ तो विदेशी संस्थागत निवेशक एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि उनको दो फैक्टर फायदा मिलता है। एक भारतीय रुपये, क्योंकि अमेरिकी डॉलर मजबूत है, रुपया कमजोर है, तो उनको यहाँ सस्ता माल मिल जाता है। दूसरा, जब मार्केट बाउंस बैक होते हैं तो उनको ना केवल रुपी डॉलर की फ्लक्चुएशन का फायदा मिलता है अपितु जो शेयर है या स्टॉक जो उन्होंने किया हुआ है उसके अंदर वो मुनाफा मिलता है, तो वो डबल एज प्रॉफिट कमाते हैं एफआईज, यानी विदेशी संस्थागत निवेशक। लेकिन अभी भारतीय बाजार, शेयर बाजार भी गिर रहे हैं, इंडियन मार्केट में भी कमजोरी है, इसको देखते हुए ये एक बहुत वॉलेटाइल और बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटस है। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो भारतीय ये बुलियन मार्केट जो है, सोना व चांदी जो तेजी से नीचे गिरा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर अब कभी भी ये विराम आ सकता है, इसके अंदर थोड़ा बहुत विराम आ सकता है और आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन जो धैर्य से काम करना चाहते हैं, शांति से काम करना चाहते हैं, क्षमताओं में काम करना चाहते हैं और निचले स्तर में बॉटम फिशिंग यानी निचले स्तर पर माल ढूंढने का प्रयास करते हैं, वो ऐसे व्यापारी या निवेशकों के लिए ही अच्छा अवसर हो सकता है। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ बुलियन के अंदर शॉर्ट करने से बचना चाहिए, ये क्योंकि इन स्तरों पर शॉर्ट करना खतरनाक साबित हो सकता है। जी यहीं से कर्नल जी, बात करें अगर स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में आज क्या संभावनाएं बन रही है? देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत तेजी से वॉलिटिलिटी हो रही है। सुबह सकारात्मक रूप से खिलाफ लाल निशान देखा गया और इसका चाहे आप इसका श्रेय या ब्लेम टैग जिस मर्जी पे डालें, इंटरेस्ट रेट पे डालें या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर डालें, लेकिन कुल मिलाकर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि निवेशक जो है वो बॉटम फिशिंग, जो मैंने अभी आपसे बात की बुलियन के लिए, उसके लिए ये मौके तलाशते हैं। यदि आप सेंसेक्स जब 500 पॉइंट नीचे है, निफ्टी 16,090 के आसपास है, जब आप माल नहीं खरीदोगे तो फिर क्या निफ्टी 18,000 पे आएगी जब आप माल खरीदोगे, या सेंसेक्स टीवी जब उछाल कर चुका होगा तो माल खरीदोगे। अच्छे शानदार शेयर हैं उन जो अभी आप अंडर वैल्यूड है या जो फिट फॉर इन्वेस्टमेंट है उस पर आप नजर रखिए। आपको याद होगा हमने आपको पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के ऊपर चर्चा कहा था, HDFC लाइफ के ऊपर बात की थी, तो ये स्टॉक अच्छे हैं, इनके ऊपर आप नजर रखिए। शानदार स्टॉक है पावर ग्रिड, लगातार तेजी दिखा रहा है, बाजार ऊंचे नीचे है लेकिन ये शानदार मूवमेंट दिखा रहा है। इसके अतिरिक्त आज आप नजर रख सकते हैं गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार की सबसे बड़ी गैस कंपनी, इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के ऊपर भी नजर रख सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट और इसकी भाव बढ़ने की संभावना है, इसका असर इन स्टॉक्स पर पड़ेगा। मैं यही कहूंगा कि इसमें बाजारों के अंदर कभी भी हैरान परेशान मत होइए, अपने बजट का को सही ढंग से इसका समायोजित कीजिए और कंटीजेंसी, यदि आपके पास 10,000 रुपए हैं तो 10,000 के अंदर हमेशा 1 या 2,000 रुपए कंटीजेंसी के लिए रखना चाहिए कि जब बाजार बुरी तरह से किसी भी वजह से गिरते हैं तो निचले लेवल पर उनको निवेश करना चाहिए और जैसे ही वो अपना मुनाफा देते हैं उसके बाद फिर वो कंटीजेंसी के लिए यानी इमरजेंसी के लिए आप उसको अलग रख सकते हैं। ऐसे साल में 3 या 5 मौके अवश्य आएंगे अगर आपके पास, तो हर बार आपको 3 से 5% भी मिलता है तो आपको साल के अंदर 15-18% सुरक्षित मिल जाता है। ये बहुत बढ़िया शानदार मौका होता है इसके, लेकिन ये है कि सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रीट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी कंपनियों के शेयर आप उस टाइम देखें, समझे, पढ़के और फिर निवेश करें, तो यही मेरा कहना है। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि बाजारों के अंदर हर व्यक्ति निवेश की बात करता है, ट्रेडिंग की बात करता है, लेकिन रिस्क की बात कोई नहीं करता है। रिस्क इंपॉर्टेंट ये है कि कभी भी अपनी मूल पूंजी का मतलब सीड कैपिटल, जो आपका मेन कैपिटल है, उसका 10 से 15% यदि नुकसान उससे हो रहा है तो उस टाइम अपना स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। यानी आपके पास 10 लाख रुपए की पूंजी है और आपको 1.5 से 2 लाख रुपए किसी चीज में है तो उससे ज्यादा नुकसान लेने की ताकत मत रखिए। ये निवेश का मूल मंत्र मैंने सीखा है जो आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ। होता यह है कि कैपिटल 10 लाख की है, 7-8 लाख रुपए तक बंदा देखता है
और वो उसके ऊपर एवरेज कर लेता है, उसके ऊपर एड ऑन कर लेता है और वो मूल कैपिटल उसकी समाप्त हो जाती है। जब मूल कैपिटल समाप्त हो जाती है तो उसके पास बाजार से हटने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। हमेशा याद रखिए, कार आप चला रहे हैं, स्कूटर आप चला रहे हैं, आपको ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें कोई दोहराए, कोई शंका, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि आप ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं तो फिर दोबारा आपकी जर्नी शुरू हो सकती है। लेकिन आप यदि ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं और बिल्कुल अड़े रहते हैं तो वो गलत है। कहा जाता है कि कमोडिटी बाजार हो या शेयर बाजार, एग्रो न्यूज हो, इसके अंदर 100 में से 90% ये गलतियां करते हैं और उन गलतियों की वजह से उनको खामिया हो जाता है। फिर वो नतीजा डब्बे पे डालते हैं कि साहब इससे कोई कमा के भा नहीं निकला। यदि आप गलती करोगे, कार आपकी स्पीड है 150 की मैक्सिमम रोड के हिसाब से, 120 की, 110 की, आप चलाओगे 200 की स्पीड से तो जल्दी तक पहुंच जाओगे, लेकिन उसमें खतरा कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। और उस कार के अंदर अभी सेफ्टी फिगर नहीं है, उसके ऊपर एयर बैग नहीं है, उसका वो फिट नहीं है इस स्पीड, तो आपको नुकसान हो सकता है। यही मेरा आपके जरिए दर्शकों को कहना है, घबराए नहीं, अपनी ताकत को पहचाने, क्षमताओं को पहचाने और उसके आधार पर ट्रेड और निवेश करें, क्योंकि नफा नुकसान आपको झेलना है, ना चैनल को झेलना है, ना विशेषज्ञ को झेलना है, आपको झेलना है, आप अपनी क्षमता अनुसार काम करें। ये जी कन्हैया जी, तो आज कुछ ऐसा रह सकता है शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और आज आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।